बूढ़ापांडी सभागार में क्षेत्र पंचायत समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के सभी BTC मेंबर और ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। इस मौके पर बिजली विभाग, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बिजली विभाग की समस्याओं को SDO द्वारा सुना गया और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई। वहीं आपूर्ति विभाग द्वारा शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि हर गांव के अंदर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे डेंगू और अन्य बीमारियों से बचा जा सके। ब्लॉक प्रमुख नवदीप द्वारा सभी BTC मेंबर्स, ग्राम प्रधानों से कहा गया कि अपने गांव के अंदर सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें, जिससे गांव के अंदर डेंगू, बुखार आदि बीमारियों से बचा जा सके। ग्राम प्रधानों द्वारा कहा गया कि कुछ गांव के अंदर सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं है। उन्हें ग्राम पंचायत के अंदर नालियों में गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है और वो सड़कों पर आ जाता है, जिससे नालियों में कीड़े और मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिससे बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। गाँव के अंदर पानी की टंकी बनाने वालों ने रास्तों में पाइपलाइन दबाते समय गहरे गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत प्रधानों ने ब्लॉक प्रमुख को लिखित में दी है। ब्लॉक प्रमुख और BDO द्वारा कहा गया है कि सभी की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। ब्लॉक अधिकारी, ग्राम प्रधान, BTC मेंबर आदि इस दौरान मौजूद थे। विकासखंड सभागार मुनापाड़ी में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान साथी, अन्य जनप्रतिनिधि व ब्लॉक व जनपद स्तर के अधिकारीगण यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मीटिंग का उद्देश्य जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत साथियों के माध्यम से, प्रधान साथियों के माध्यम से यहाँ पर सुनी जाती हैं, और जो यहाँ पर कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ पर रहते हैं तो उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण कराने का एक उद्देश्य रहता है। क्षेत्र की समस्याओं को सुनकर उनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना। ज़्यादातर समस्याएँ बिजली विभाग की कुछ समस्याएँ थी, आंगनवाड़ी विभाग की समस्याएँ थी, पूर्ति विभाग की भी थी, और हमारी कुछ सफाई व्यवस्था से संबंधित जो समस्याएँ यहाँ पर हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा दी गई हैं, तो उनको जो यहाँ पर हमारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित रहे हैं उनको नोट करवा दिया गया है, और आशा है कि इसी सप्ताह में या अगले सप्ताह में जो भी हमारी जायज परेशानियाँ हैं उनका समाधान उचित कराया जाए। की हमारी शिकायतें जनप्रतिनिधियों ने दी हैं और यहाँ पर CDPO मैडम भी हमारी उपस्थित हैं, उनको भी हमने कह दिया है इस तरह की कोई शिकायत अगर क्षेत्र में है तो कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जाएगी, और उसका नियमित मॉनिटरिंग जो वितरण होना है तो उसके लिए भी हमने ब्लॉक के लिए भी जो अधिकारीगण उसमें लगवा दिए, नोडल बनवाए हैं, उसमें नोडल अधिकारी भी उसका सत्यापन करेंगे वितरण के समय में। और अगर आप लोगों के माध्यम से और किसी भी माध्यम से अगर कोई इस तरह की सूचना है तो आप मुझे बताएं, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई। नाम खोल। इस बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी SDO साहब मौजूद थे, उनको सारी समस्याएं नोट करा दी गई, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह में उनका निस्तारण करा देंगे। रही बात सफाई का, अभी इस समय अभियान चल रहा है सिंचाई वाला, सभी गांव में रोस्टर लगा के 3-3 दिन जो है सफाई कर्मचारियों को भेजा जा रहा है, वो सफाई कर रहे हैं, उनके ऊपर नोडल भी लगाए हुए हैं चेक करने के लिए। मैं भी बीच में चेक करने जाता हूँ, दो गांव मैं भी चेक करता हूँ, कल भी मैंने चेक किए थे, एक जगह सफाई कर्मचारी नहीं मिला था, मैंने उसका वेतन रोकने के लिए आदेश कराया है उसका। इस तरह सफाई व्यवस्था जो है पूरी चुस्त दुरुस्त कराई जाएगी, AD पंचायत को स्पेशली इसको निर्देश कर दिए गए हैं। CDPO मौजूद हैं, उनको ये समस्या नोट करा दी गई है, साथ ही हमें यहाँ से अपने यहाँ से नोडल लगा के उनका भी जो है सत्यापन कराएंगे, यदि इस तरह कोई समस्या आती है उसका निस्तारण राशन बिल्कुल उनकी जांच कराएंगे, जांच करा के उनकी कार्रवाई करेंगे।